मिशन इंडिया फेल एक डायलॉग लगता है, लेकिन इसके अंदर है क्या क्या, बहुत डीप इंफॉर्मेशन इसके अंदर, बहुत ज्यादा डीप। हेल्थ एंड फिटनेस का मतलब क्या है? हेल्दी एंड फिट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके सिक्स पैक को कहते हैं हेल्थ एंड फिटनेस। इनसाइड एंड आउटसाइड यू शुड बी हेल्दी, इनसाइड आउटसाइड मतलब नो हेल्थ प्रॉब्लम्स, नो डिजीज, नो इंजरी, इसको कहते हैं हेल्दी। कितने आप अच्छे लग रहे हैं दिखने में, ये तो विजुअल लुक्स है, ये तो ग्लैमर है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो जो महसूस है ना कि मैं ठीक हूँ, मुझे हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, या आप किसी भी समय किसी कोई भी चीज खा सकते हो, तो आपको ये नहीं लग रहा है मैं या बीमार हूँ या होगा या सब नहीं। तो दैट इज समथिंग इज इम्पॉर्टेंट, और वो हमारी आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत है। एंड माई मेन थिंग इज टू मेक श्योर कि हम जो 18 से 35 का एज है ना, जो वही आगे जाने वाले समय में चेंज कर रहा है। यू हैव टू ब्रेक द चेन। ये चेन क्या है कि जो हमारे 40 50 55 के बाद हमारे फैमिली है उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स है, वो हमें ना हो बेसिकली। सो ये इन्वेस्टमेंट है बेटर फ्यूचर के लिए, वही हम कर रहे हैं बेसिकली। आज जो आप काम कर रहे हैं ना, अच्छा उसका रिजल्ट आने वाला आपको। हेल्थ फिटनेस ऐसी है कि आज जो आप खा रहे हैं उसको अभी फायदा नहीं होगा, आने वाले समय में होगा। अगर आप गलत चीज आज खा रहे हैं, आने वाले समय में आपको नुकसान होगा। दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वही इन्वेस्टमेंट आपने करनी है फॉर बेटर फ्यूचर। एक बैंक है आपकी बॉडी, और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एवरी डे, पेमेंट दे उस पर, मिनिमम पेमेंट दे रहे हैं, राइट? और बिकॉज यू बेटर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। अगर आज आप गलत चीज खा रहे हैं, तो बॉडी इज अ बैंक, एंड जो गलत चीज है बॉडी फैट इज अ डेट। मैंने भी दिल्ली में बोला था, ऑन योर बॉडी लोन है, कर्जा है गलत फूड आपकी बॉडी के ऊपर, क्या करेगा आपको लेटर ऑन बैंकक्रप्ट करेगा। लेकिन बैंकक्रप्ट मींस हेल्थ प्रॉब्लम देगा, ओबेसिटी, यू नो, हेल्थ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ लिस्ट बहुत लंबी है जो हमारे पेरेंट्स को शायद, और खर्चा चल रहा है, डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, डॉक्टर तो दवाई देंगे ना, सारा काम न्यूट्रिशन। जड़ क्या है इसकी? न्यूट्रिशन। हर चीज की बीमारी की जड़ न्यूट्रिशन है। अगर आप बॉर्न नहीं हुए किसी बीमारी से, दैट इज योर फॉल्ट, आपकी पेरेंट्स का कोई फॉल्ट नहीं। सो हम ब्लेम कर देते हैं अपनी फैमिली को, वी शुडंट डू दैट। सो जो मेरा विजन है मिशन इंडिया फिट, बहुत बहुत ही आगे का है, और मुझे मालूम नहीं है इस डिग्री में कितने साल लगे, कितना टाइम लगे, आई डोंट नो, बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन मुझे मालूम है कि अब होप जो होती है ना, आई कैन सी थिंग्स, यू नो, सो वो चीज़ देख रहा हूँ। जैसे अब अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखता ना, लेकिन आपको धीरे धीरे वो लाइट दिखती है शायद टनल से बाहर। दैट्स समथिंग होप, इट्स कॉल्ड होप। या देयर इज समथिंग, बट यू हैव टू ट्रैवल टुवर्ड दैट पार्ट, दैट्स द एग्जिट, दैट्स अ गेट। अरे अब जब नरक में हो, व्हाट आर यू गोना डू, यू आर कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओनली एक ही रास्ता है वहां से बाहर निकलेगा, कीप मूविंग फॉरवर्ड, चलते रहो, खड़े रहो, कोई नहीं आएगा। अंधेरे में आपका तो आपकी शेडो भी आपके साथ नहीं होती, राइट? तो मेरी एक नई मोटिवेशनल वीडियो आई थी, कोई कितने लोगों ने नहीं देखी कितने लोगों ने नहीं देखी अभी एक हफ्ते पहले इंडिया इज बेस्ट मोटिवेशनल वीडियो हमने सबने देखी। ऑसम, आई लव इट। So, कैसी लगी आपको? सर वेरी मोटिवेशन, सुप्रीम वर्कआउट। फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। एक जो वीडियो है वो तो विजुअल है बॉडी का, उसका उसको निकाल दें आप बाहर, वर्डिंग ऑडियो। यस सर, ऑडियो। जब मैंने ऑडियो लिखी थी अपनी फजील लेकर नहीं लिखी थी, उसके अंदर कुछ चीजें लिखी हुई है कि अगर आज बड़ा सा बड़ा सेलिब्रिटी जो डाउन है, चाहे वो क्रिकेटर है, सेलिब्रिटी है, कोई भी है, दैट पर्सन नीड्स बूस्ट, फिजिकल मेंटल, मेंटल स्ट्रेंथ है, फिजिकल तो स्ट्रांग है आप, या बारूद आपके यहाँ भरा हुआ है, वो जो चिंगारी चाहिए ना आपको, वो मोटिवेशन से लगती है। हर एक के अंदर, हर एक के ब्रेन के अंदर वो बारूद है। मिसिंग क्या है? स्पार्क। स्पार्क कब होता है? जब कुछ ट्रेजेडी, कोई कुछ ना कुछ होता है हमारे में, हमारे अंदर लगता है कि आई वांट टू डू दैट पार्ट। वो स्पार्क जब आपके अंदर आता है, नोबडी कैन स्टॉप यू, ऑनेस्टली, आपके घर वाले भी नहीं। तो पॉजिटिव स्पार्क चाहिए, नेगेटिव, हर एक के अंदर स्पार्क है। Because you want to be something. अभी आपने बोला फिटनेस मॉडल बनना है, परफेक्टली फाइन, दैट्स योर गोल। बहुत लोगों का अलग अलग गोल है, कोई यहाँ IPS में आना चाहेगा, कोई PPS में, पुलिस में, कोई आर्मी में जाना चाहेगा, कोई पॉलिटिशियन। आप में से यहाँ पर कोई ना कोई आने वाले 15-20 सालों में कोई बड़े लेवल पर होगा, आने वाले में। तो आपने वो जो एंड गोल है ना, वो देखना जरूरी है। जब आप वो एंड गोल देखते हैं ना अपना, कि आई वांट, दिस इज माय फाइनल डेस्टिनेशन, अब आपने ट्रैवल करना है। अब ट्रैवल में आपके साथ कोई नहीं चलेगा, क्योंकि अगर वो रास्ता नया है तो कोई साथ नहीं चलेगा, अगर बना हुआ रास्ता है तो वहां पर आप काटने वाले आएंगे, राइट? लेकिन जब रास्ता पहले ही बना रहे हैं, किसी कोई आगे है ही नहीं आपके, बाय द वे आप खुद रास्ता बना रहे हो, आपको आगे नहीं कोई मिलेगा।
पीछे आपके ट्रेवल करते आएंगे हो क्या रहा है तब फॉलो अप। तो वो रास्ता खुद बनाना ना वो टाइम लगेगा क्योंकि आपको मालूम ही नहीं हो क्या रहा है। आप कहीं सुनसान जगह सुनसान पहाड़ी रास्ते में कोई नहीं है वहां से रास्ता बना रहे हैं क्योंकि यू नो एज लॉन्ग एज योर लाइफ स्टोरी इज नॉट ओवर यू हैव टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। सारी आपको इन्फॉर्मेशन मेरी वीडियो में अभी बहुत 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 टॉपिक पड़े हुए आने वाले में बहुत, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बाहर की ऐसी चीजें कवर करने में जिसमें एनर्जी में अपनी वेस्ट नहीं करूंगा जिसमें यूजलेस टॉपिक है, लेकिन हो सकता है वो हाइप टॉपिक है ट्रेंडिंग टॉपिक है मजे के लिए टॉपिक बने समथिंग ऑन स्टे अवे फ्रॉम दैट पार्ट। वो मैं नहीं करना, वो बहुत लोग मुझे बोलते हैं आप इसका मैं नहीं कर सकता। ऋतिक रोशन वर्मा क्या बताऊं मैं, मेरा नहीं उसकी बॉडी के बारे में बताओ कैसे बताऊंगा भाई उसके, उसने 15-20 साल शुरू हो चुका है समवेयर अराउंड 50 इयर्स हाउ कैन टेल यू अबाउट इट। सो यू स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पीपल यू नो इंस्टेड ऑफ कि उसने ये किया होगा ये मुझे बोल देते हैं लगता है आपको ड्रग्स पर मैं और ड्रग्स यूएस में वैसे बैन है और जो बॉडी बिल्डर्स है वो तो डॉक्टर के अंदर है ना आपको ओवर द काउंटर वाली चीज नहीं मिलती ऐसे बड़ी कंट्री में बिल्कुल नहीं मिलेगी। और ड्रग्स बोला वो तो आपने यूज ही नहीं करने वंस यू आर ऑन दे डन इवन इट्स लीगल इट्स इलीगल इट्स रिहैब के लिए जाना पड़ता है छोड़ने बहुत मुश्किल है। सो अनलेस यू वांट टू बी अ बॉडी बिल्डर इंडियाज बेस्ट बॉडी बिल्डर कंपीटिंग या गो अहेड मैं आपको सिग्नल दे रहा हूँ बाय द वे बट गो कंसल्ट विद बेस्ट डॉक्टर बेस्ट प्रोफेशनल नॉट ट्रेनर्स। ट्रेनर का तो काम ही कोई नहीं, ट्रेनर ने कहा आपको अगर आपको ट्रेनर को ड्रग रेकमेंड कर रहा है ओह माय गॉड मालूम भी नहीं है लाइक पढ़ा भी नहीं आपने साइंस के आप यू गो टू लेबोरेटरी एंड डू द टेस्ट दैट्स कॉल्ड प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल वहां पर आपको कोई नहीं मिलेगा यूज में ऐसा मैं बोल रहा हूँ आप यू गो टू डॉक्टर डॉक्टर आपका चेक करता है दे चेक योर हार्ट लेवल everything weekly basis its drug is going different way affecting your other system they regular check yahan par log lete malum hi nahi hai kya ho kya raha hai and they're done you know we are struggling later on I mean if unmarried and 30 ke baad you've been in trouble for you know family planning yes sir. Yes, sir. You know, hormone is everything you need that hormone too for your next generation right and you're done your body's not produce you're going to shut the body going to naturally shut down the test level and jab wo test shut ho gaya you know what's going to happen it's disaster so a lot of thing involved so kuch temperature ke liye agar aap sahi nutrition follow karenge hum khalenge no matter who you are where you live what your culture is you're going to be healthy inside outside mentally sharp you know hum bahut ho gaya jo subah dopahar kehte hain main thak gaya hu 2 baje 3 baje 4 thak gaya hu yeah thak isliye gaya hu because your nutrition was not a complex carbohydrate you should have taken a complex carbohydrates jo aapko energy der tak mile hum crash diet bahut khate hain yahan par wo dhyan rakhein aap thoda crash diet par dhyan rakhein right so crash diet matlab hai ki aapne sugar li sugar 1 ghante mein aapko boost mila you feel good and then drop down usse insulin kharab hota hai jab bhi crash diet chalti hai you spike your insulin blood ke andar gaya food जो भी फूड किया चाहे आप सोडा पिया आपने आपको बूस्ट मिला एंड अ ड्रॉप डाउन। अब क्या है यू हैव टू टेक अगेन व्हाटएवर यू ड्रिंक यू ईटिंग टू बूस्ट द लेवल अगेन। तो ऐसा करते गए क्रैश डाइट इंसुलिन जाएगा महीनों में हफ्तों इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है इसको डायबिटीज वहीं से होती है लोगों वो जाएगा जल्दी जाएगा डिपेंड करता है कि आप अगर वर्कआउट कर रहे हैं आप साथ में तो वो शुगर लेवल आप बर्न कर रहे हैं कुछ हद तक। देखो जो भी आप खा रहे हैं अगर बॉडी स्टोर करी जा रही है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कहां पर दो ऑप्शन है या तो वो फैट में स्टोर हो जाएगा अगर आपने वर्कआउट नहीं किया अगर वर्कआउट किया आपने तो आपने बर्न कर देंगे एनर्जी के थ्रू। सो अगर आपने $500 आज ₹500 कार्ड पर खर्च किया सुबह आपने 500 वापस पे कर दिया इट्स कॉल्ड इवन देयर इज नो डेट ऑन यू। बेस्ट है कि आज एक महीना आपने खर्च किया ₹1000 आप कार्ड पर और जब पे करना 1000 ऑफ कर दिया तो आपके महीने में कोई आपके ऊपर लोन नहीं है इसमें आप बैंकक्रप्ट कभी नहीं होंगे और आपकी जो कार्ड की लिमिट है वो इंक्रीज होगी बैंक कहेगा दिस पर्सन इज पेइंग ऑन टाइम ओके आई एम गिविंग द पर्सन 500 और 10000 रुपीस क्रेडिट लिमिट यू आर जेन्युइन पर्सन। और क्या होगा आपकी लोन अमाउंट आपने कुछ भी लेना है उसमें आप किसी भी वो बैकग्राउंड चेक में नहीं आएंगे आप द बेस्ट वे तो
तो क्या होगा अगर आप 500 आपने नहीं दिया, आपने 1000 की परचेस की, महीने में आपने उसको वापस नहीं दिया, क्या हो गया? $1000 आपका क्रेडिट लिमिट से ऊपर चले गया, जो भी आपकी लिमिट है। अब वो लोन बढ़ता जाएगा अगर आप नहीं पे करते, वो बढ़ता जाएगा इन द फॉर्म ऑफ डेट। और वहां पर क्या होगा, देयर विल बी सो मेनी लाइक इन टर्म ऑफ कितनी पेमेंट आएगी, आप कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके ऊपर, डिपेंड करता है बैंक क्या चार्ज कर रहा है। और आपकी वहां पर कार परचेस करनी, घर परचेस करना है, अफेक्ट एवरीथिंग। और वो बैंक से आपका अच्छा रिलेशन, क्यों वहां से कॉल आ रहे हैं आपको, पैसे लेने वाले कॉल कर रहे हैं, बेसिकली बैंक जो करती है आपको फॉलो अप करती है, हाँ जी आपने पेमेंट नहीं दी, दैट्स समथिंग वी नो दिस इज फाइनेंशियल थिंग। अगर इसी चीज को आप अपनी बॉडी पर लाकर देखो, यू अंडरस्टैंड दैट। अगर आप आज बर्गर या पिज्जा खाया आपने, या आपने लिकर पी, ड्रिंक पी, या आपने सोडा या कुछ ऐसा फूड खाया जो नहीं आपकी सेहत के लिए अच्छा, और आपने कल भी वही खाया, हफ्ता हो गया, महीना हो गया, आपकी एक्टिविटी नहीं है, अब आपकी बॉडी उसी जोन में जा रही है, डेट बॉडी फैट इज गोइंग अप। तो बेस्ट क्या है, मैं भी खाता हूं, सभी खाते हैं, देयर शुड बी वन थिंग, एक लिमिट। एक अगर लिमिट से ऊपर चले गए, मेक श्योर वर्कआउट बर्न, वो बर्न करना मतलब पेइंग ऑफ, जो कैलोरी बर्न हो रही है आप पे ऑफ कर रहे हैं, वो 500 जो भी आपके 500-600 कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर इन द फॉर्म ऑफ शुगर और फैट गई है, एंजॉय किया आपने, अब क्या करें उस एंजॉयमेंट को कीप वैसे रखने के लिए आप वर्कआउट करें, डू कार्डियो, उस दिन आप एक्स्ट्रा कार्डियो करें, क्या हो गया अब आपको लगेगा नहीं, यू गोना स्वेट, स्वेट मींस फैट क्राइंग, पसीने का मतलब है फैट क्राइंग, और बाहर आएगी, आपने 500 कैलोरी बर्न कर ली, यू इवन जो आप लेवल पर हो वही लेवल रहोगे। सो अगर आप ऐसे करते गए साल महीनों साल, आपको आदत बन जाएगी, और आप कभी भी ऐसे कुछ गलत नहीं करेंगे, क्यों, आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये फॉर्मूला मेरी बॉडी पर काम कर रहा है, एंड यू विल लव इट। मैं ऐसे करता हूं, अगर मैं 14 में मेरा है, मुझे मालूम है 14 में क्या चल रहा है, क्या मेरे से खाया गया है, आई एट लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिया जो मैं शायद वहां जाकर नहीं खाऊंगा, लेकिन जाते ही मेरा गोल क्या है, एवरीथिंग क्लीन अप, डिटॉक्स बॉडी, वो आपको भी जरूरत है। अगर आपने अभी अभी जिम शुरू किया है, स्टार्ट, लेट्स डिटॉक्स योर बॉडी फॉर वन डे। डिटॉक्स से क्या होगा, आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सब कुछ ठीक होगा, बहुत जरूरी है वो। जैसे वेमेन मेकअप करते हैं, बाहर धुआं है, पोल्यूशन है, यू नो फ्राइड फूड खाते हैं आप, चिप्स खाते हैं, ड्रिंक है, स्मोक है, जो आपकी बॉडी के अंदर बन रहा है ना ऑक्सीडेंट्स, वो आपके सिस्टम को खराब करेंगे, वो सही नहीं है। देन यू हैव टू इवन ईट फूड और ड्रिंक समथिंग विच इज हाई इन एंटीऑक्सीडेंट, मतलब नींबू पानी सुबह पी लिया, कितनी ताकत है उसके, वो लेमन है ना, ऑसम, वो डिटॉक्स करके आप बॉडी को, मैंने एक बनाया भी है, रेसिपी भी थी मेरी डिटॉक्स की, सिंपल है, कुछ नहीं, हम पीते नहीं, कोई नहीं पीता, कहते नहीं यार मालूम नहीं क्यों, वो जरूरी है। डिटॉक्स कुछ भी नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं इसके अंदर, लेकिन डिटॉक्स योर बॉडी डेली बेसिस, ताकि आपकी बॉडी से वो चीजें बाहर निकले और आपके सेल्स जो है अफेक्ट ना करें। तो डेली लाइफ में इंडिया में पोल्यूशन है, डेली लाइफ में हम पोल्यूशन से ज्यादा बहुत ज्यादा बैक्टीरिया बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स बॉडी होती है, पानी पीते रहें ज्यादा टू मेक श्योर आपका लिवर हेल्दी रहे, आपका जो किडनी फ्लश करती रहे, जो भी फ्लूइड बॉडी के अंदर है, ये माइनर चेंजेस है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अगर आप समझेंगे या गुरु ने ये बोला है तो आई थिंक दिस इज आई शुड लेट ट्राई, क्योंकि उसके पीछे भी आपको पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट ओनली टेक 5 मिनट्स आउट योर ब्रेन। अगर वर्कआउट नहीं करते, मुझे मेरी वीडियोस देखते हो, तो वर्कआउट तो आपका हो गया ना टोनिंग के लिए, जैसे मैंने बोला हुआ है, अगर आपका गोल नहीं है मसल बिल्ड करना, फैट लॉस करना, लेकिन खाना तो जरूरी है ना, खाना जरूरी है, हेल्थ इज वेल्थ, आप हेल्दी खाएं, कम खाएं, हेल्दी खाएं। अगर आप टाइम नहीं है, हर एक का लाइफ अलग है, कोई कहता मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, 24 घंटे सभी के पास होते हैं, ओबामा के पास वही 24 आवर जो हमारे पास है, बट ही वर्क्स आउट, ही प्लेस बास्केटबॉल 45 मिनट्स एवरी डे, क्या एक्सक्यूज हमारे पास, हु वी आर, नोबडी, हमारे हाथ में है वो 24 आवर्स, सभी के पास है, चाहे वो शाहरुख खान है, चाहे वो आम बंदा है, वही हर बंदा वही 24 घंटे यूज कर रहा है, किसी के पास एक्स्ट्रा एक मिनट नहीं है। यू हैव टू यूटिलाइज योर 24 आवर्स। मैं अपने 24 घंटे पूरे यूज करता हूँ, और मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ, नाउ आई नो व्हाट आई डू। मैं 2 घंटे सोना मैंने कम कर लिया, क्योंकि सोने से क्या कर रहा हूँ, आई थिंक आई डोंट वॉन्ट ड्रीम्स जो मेरे हाथ में नहीं आएंगे, वो मेरे किसी काम के ड्रीम्स नहीं जो सोए हुए ले रहा हूँ। Let me wake up 2 hours early and work on my daydreams. You know. So, बहुत जरूरी है. This is something. Failure is not an option, guys. Nutrition ठीक करें. That's everything.
अपने 24 घंटे को आप अगर आज बैठकर आप लिखें कि किस तरह से आपके 24 घंटे कल के निकले हैं और किस तरह से आपके 24 घंटे कल निकलेंगे, क्योंकि हर दिन नया दिन है, हर दिन नया दिन है। कभी भी आपका कल का दिन आज का दिन सेम हो नहीं सकता, कभी नहीं होगा। चाहे आप दुनिया में कहीं गुम हुए हैं, किसी समंदर में आप अकेले हो, अगर कोई कल का और आज का दिन सेम है, मेरे ख्याल से नहीं। वो जो ट्रेवल टाइम है ना, वो अलग है। आप शायद कुछ किलोमीटर अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचे हो, मालूम है कितने थाउजेंड किलोमीटर बाय द वे, लेकिन कुछ किलोमीटर आपके उस डेस्टिनेशन से कम हुए हैं, हर एक के। क्योंकि जो कल का टाइम वो दोबारा नहीं आएगा, और जो कल आने वाला है वो आपके हाथ में है, आपने प्लान करना है। हम टिकट करते हैं ना, हम जा रहे हैं कहीं घूमने जा रहे हैं डिफरेंट स्टेट में, शिमला में, वो प्लान करते हैं ना, वही प्लानिंग होती है। ऐसी ही प्लानिंग होती है अगर आप इसको लीव लाइफ में लो, लेकिन वो बहुत बड़ा प्लान करना पड़ेगा, उस बड़े प्लान को स्मॉल प्लान में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर क्रिकेट में 400 का टारगेट है ना, वो कैप्टन के अंदर उस पांच पांच ओवर के प्लान्स है, किस तरह कौन से में क्या करना है, उसको ये नहीं 50 में 400 नहीं, उसके पास प्लान ऑफ एक्शन है, लेट्स प्ले फर्स्ट 5 आवर्स एंड सी क्या होता है, उस पर आगे चेंज करते हैं। वो प्लान होना जरूरी है, प्लान ऑफ एक्शन। हम डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, सारा दिन हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बिकॉज लॉट ऑफ थिंग। द बेस्ट थिंग इज व्हेन सुबह आप उठते हैं ना, आपका ब्रेन उस समय टोटल फ्रेश होता है, बिल्कुल फ्रेश, कुछ नहीं दिमाग में होता है। लेकिन उसी समय अगर आप अपनी जो गोल्स है उस पर काम करें, आई एम टेलिंग यू, ये टेस्ट चीज है, मैंने खुद यही करता हूं। मैं सुबह उठकर सबसे पहले ग्रीन टी या कॉफी, कॉफी इज बेस्ट अलर्टनेस के लिए, मेरी अलर्टनेस ज्यादा होगी उस समय, और जो मैं काम करने जा रहा हूं, जो सोचा है उसके ऊपर शायद मैं ज्यादा सोच सकूं, और मुझे किसी बात करने की जरूरत नहीं उस समय। अलोन, मे बी इन द रूम, मे बी आउटसाइड पैडियो, आउटसाइड मे बी इनसाइड, डिपेंड्स कहां पर है। यहां तो ट्रैफिक है, बाप आप देखते हैं वो बंदे लड़ रहे हैं, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है। आप रूम में हो, कहीं पर हो, जस्ट दैट 20 मिनट्स और 30 मिनट्स, कोई दिमाग में आइडिया है लिख लो, कुछ भी है आपके दिमाग में, यार ये चीज दिमाग में, आप लिख लो, कुछ नहीं करना आपने, आपका दिन आपका जो चलेगा, ब्रश करें, खाएं, जो भी काम कर रहे हैं, नेक्स्ट डे जो आपने लिखा हुआ है ना, लेट्स एक्सपेंड दैट थॉट, जो भी आपने लिखा है एक्सपेंड करें, उसको खोले कि इसके उसके अंदर जाऊं मैं थोड़ा। आप धीरे धीरे ऐसे उस चीज की जगह बनाएंगे आप, हम चलेंगे अंदर, ऐसे ही आप जाएंगे उस चीज के, और आप वो डीप अंदर जाते गए तो आप लास्ट चीज देखेंगे है कि एक्चुअली कहां तक जा सकता हूं अगर मैं यहां से चला। उस चीज लिखने में शायद एक दिन, दो दिन, दस दिन, बीस दिन, शायद महीना लगे, देन यू स्टार्ट प्लानिंग, क्योंकि वो डेस्टिनेशन आपके दिमाग में चल रही है, वो अपने वो चीज देखनी है, क्या एक्चुअली हुई, क्या करना चाहते हैं आप, वो जो आधे घंटे सुबह का है उसके अंदर। अगर आप सुबह चेक करते हैं अपना फोन, अखबार पढ़ते हैं, यू डिस्ट्रैक्टेड राइट देयर, आप पढ़ रहे जो ऑलरेडी हो चुका है, जो हो चुका है वही पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी ब्रेन को मालूम है, कल रात से आपने सुना हुआ खबरों में, दोबारा वही चीज पढ़ रहे हैं बेसिकली, तो वही आपकी कन्वर्सेशन होल पूरे दिन में होगी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, जो आपने पढ़ा हुआ शायद, और वही आप बांट रहे हैं दूसरे को, बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वही आप दे रहे हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन कहां पर है, यू लास्ट वहां पर आप देखना हु यू आर, वो भी ठीक है, दैट्स गुड फॉर फन, फॉर सोशल लाइफ, राइट, बट आप अपने आप को ढूंढना बहुत जरूरी है। मैंने बहुत सारा खराब किया, जब मैंने देखा दिस थिंग वर्क्स, लेट मी गो इनसाइड, मैं आईपैड पर और नोटपैड पर लिखता था, और जितना लिख लिया, जो भी लिखा आपने, जो भी रफ आपके दिमाग में आपने लिख लिया, कि वहां से मैं कल शुरू करूंगा, कि क्या था वो, अब तो मेरा दिमाग इसमें, मेरे काम पर जाना है, खाना खाना है, नहाना है, यू नो यू ऑलरेडी हैव द स्केड्यूल रेडी, संडे सैटरडे हम लेट उठते हैं, वी माइट स्लीप दोज 2-3 आवर एक्स्ट्रा, रात हम शायद 2-3-4 बजे तक जागते हैं, या थोड़े जल्दी सो जाते हैं, और सोते समय फोन हमारे हाथ में होता है, जब उठते हैं तभी फोन हाथ में होता है। I do the same thing. तब मैं पिछले बहुत सालों से नहीं करता, जब मेरा फोन एक बार हो गया टेढ़ा करके रखता हूँ बेड के ऊपर, जब मैं ब्रश करता हूँ उसके बाद देखता हूँ, अनलेस अलार्म हो, मैं जाना हो कहीं, क्योंकि मेरा फोन तो नोटिफिकेशन से भरा है एक्चुअली। और लेकिन जैसे बोल रहा हूँ आपको, वो आधा घंटा बहुत जरूरी है। कुछ चेंज करना अपने घर में, फाइनेंशियली, फिजिकली, फैमिली में, स्टेट में, इंडिया में, वो छोटी से बड़ी चीज हो सकती है, वो आधे घंटे में आपके दिमाग में वो चीज आनी चाहिए। अपने लिए तो मेरे बहुत ज्यादा, लेट्स गो वर्कआउट, ये तो मैंने बहुत किया है सो उठकर,
देन आई स्टार्ट की जब मैंने वो कमेंट किया वो मेरे दिमाग में चलता रहा और उसको मैंने सोचना शुरू किया 2010 की बात है सो व्हाट कर चलो कुछ शायद मेरा व्यू अच्छा हो घर के बाहर पर वहां आपको लोग बाहर खड़े नहीं मिलते स्टफ लाइक दैट सो मैं कॉफी पी लिखना शुरू किया जो भी दिमाग है गलत चीज शायद दो दो दिन लिखता रहता क्या था ये यही चीज थी जो आपने मिशन इंडिया फिट के बारे में मेरे दिमाग में मिशन इंडिया फिट आया ये वर्ड तीन आए अब तीन के ऊपर मैं अंदर जाना कैसे जाऊंगा क्या करूँ मैं बैठा हूँ कैलिफोर्निया में और सबसे सात समुंदर पार बैठा हूँ क्या जाऊँ किसी को बताऊँ तो वो लोग हंसते थे वहीं पर हंसते थे अभी क्या कर रहा था सीरियसली व्हाई यू वांट टू डू दैट आई डोंट हैव आंसर बट आई वांट टू गिव आंसर टू दैट वुमन इसने बोला है